हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक और आफ्टरनून टू डिनर रूटीन। तो जैसा कि आप जानते हैं, दोपहर में मैं ही बच्चों को लेकर आती हूं। तो सानवी खुशी को बस स्टॉप से लेकर आ गई हूं मैं और इनका लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन ये लोगों ने स्कूल से आते ही पूरा सामान फैला दिया है। ये सोफ़ा अभी तक क्लीन था, लेकिन इन लोगों ने अपना सामान इसके ऊपर रख दिया है। और आज पड़ रही है इन लोगों को थोड़ी सी डांट और प्यार वाली पिट्टी भी। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा हमें कभी कभी बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी आदतें हमें ही उन्हें सिखाना है, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। और अपना सामान जगह पर रखना, ये बच्चों को आना ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे स्कूल से आने के बाद लेज़ी फील करते हैं, आई नो, और बहुत थक भी जाते हैं अनडाउटली। लेकिन सिर्फ 1 से 2 मिनट का वक्त लगता है कि वो अपना ही बैग, अपने ही शूज़ वहाँ रख दें जहाँ उनकी प्लेस असाइंड है। इससे क्या है, लॉन्ग रन में उन्हीं को जो है वो फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइज रहने में हेल्प मिलेगी और सामान को जगह पर रखने की जो है आदत डेवलप होगी। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच। कभी कभी ऐसा खाना होता है जो बच्चे नहीं खाते हैं, स्पेशली करेला मैं बताना चाहूँगी। तो जब ऐसा खाना बनता है तो फिर बच्चों जो लंच मैंने और शर्मा जी ने किया है वो नहीं करते हैं, तो मैं उनके लिए फिर कभी कभी इस तरह अलग से खाना बना देती हूँ। तो एग मैं नहीं खाती हूँ, पर मेरे बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, और एग अगर आप खा सकते हैं तो खाना भी चाहिए, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो मैं उनकी फेवरेट सी एक भुर्जी मैंने अभी बना दिया है, बहुत जल्दी बन जाती है, न्यूट्रिशियस तो है ही और टेस्टी भी होती है। और ये है उनका फेवरेट दोस्ती पराठा। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डला हुआ है जिसमें मैंने कई तरह के पराठे बनाने का ट्रिक आपके साथ शेयर किया है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसे चेक कर सकते हैं। और ये वाला पराठा जो है 1 साथ 2 बन जाते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है अगर आप बनाएंगे तो आपके बच्चों को भी ये पसंद आएंगे। तो शानू खुशी एक बार लंच कर लेंगे, उसके बाद वो लोग लेंगे एक पावर नैप, और उसके बाद मैं लगूंगी मेरे दूसरे रूटीन कामों में। और बच्चों की क्लिप वीडियो में मैं इसलिए इंक्लूड करती हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स उन्हें देखना चाहते हैं, बस दिस इज़ ओनली रीज़न। और आज मैं कर्टन दूध डालने वाली हूँ बेडरूम के, एक एक करके फिर सारे ही रूम्स के कर्टन में दूँगी, काफ़ी हैवी होते हैं ये। और मेरे बेडरूम में तो ब्लैकआउट कर्टन हैं, यानी कि 2 लेयर, तो वो सिर्फ 3 पर्दे ही एक बार में धुलते हैं, तो इसलिए एक एक करके मैं हर रूम के कर्टन धो डालूँगी। तो अभी ये हो गया है शाम का वक्त और मैं अभी दूध उबाल रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो ये वाला कस्टर्ड पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन एंड पोल्सन का, और आप चाहें तो ब्लू बर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और भी शायद 2-3 ब्रांड्स आते हैं, वो मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि मैं यही वाला कस्टर्ड पाउडर लेकर आती हूँ। तो मैं मेजरिंग स्पून की हेल्प से ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। बेसिकली हर पैक के पीछे जो है उसकी रेसिपी लिखी ही होती है, लेकिन मैं आपके साथ छोटे छोटे ना टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कस्टर्ड बनाने के। तो ये ले लिया है मैंने कंडेंस्ड मिल्क, आप चाहें तो चीनी ले सकते हो, लेकिन कंडेंस्ड मिल्क का एक अपना टेस्ट होता है जो बहुत अच्छा लगता है स्वीट्स में। और ये मैंने लिया है लगभग 1/2 लीटर ऑफ मिल्क। तो 1/2 लीटर मिल्क में मैंने स्वाद के अनुसार कंडेंस मिल्क डाला है। स्वाद के अनुसार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है और कुछ लोगों को थोड़ा कम मीठा अच्छा लगता है। तो आप कंडेंस मिल्क या शुगर जो भी डाल रहे हैं, डालने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए, आपके हिसाब के अनुसार वो मीठा हो जाए तो बस उतना ही काफ़ी है। और ये डाला है मैंने इस वक्त इसमें कस्टर्ड पाउडर। जैसा कि मैंने बताया, कस्टर्ड पाउडर के पैकेट के पीछे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बेसिकली आपको मेजरिंग स्पून से उतना ही कस्टर्ड पाउडर लेना होता है जितना लिखा है, और उसे ठंडे दूध में मिलाना होता है। गर्म दूध में मिलाएंगे तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी।
तो आप दूध उबालना शुरू करें उससे पहले से ही कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में एक अलग कटोरी में पहले से मिला के रख लीजिए। कस्टर्ड बेसिकली एग योक से बनता है, लेकिन अभी तो पैकेट वाले कस्टर्ड पाउडर सबको अवेलेबल होने लगे हैं, और ये जो पैकेट में जो कस्टर्ड पाउडर होता है ये एगलेस होता है, क्योंकि ये एग से नहीं बना होता है, ये कॉर्न स्टार्च होता है। बेसिकली सिर्फ फ्लेवर्ड कॉर्न स्टार्च है ये। तो कस्टर्ड पाउडर मैंने बना लिया है और इसको रूम टेम्परेचर तक आने का मैंने वेट किया है और तब मैं इसे छान रही हूँ। कुछ लोग बनाने की इमीडिएटली बाद छान लेते हैं, तो उससे क्या होता है ये ठंडा होते होते इसके ऊपर फिर से परत जम जाती है, जो कि फिर से मलाई जैसी लगती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो वेट करें कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए और उसके बाद ही आप इसे छानें, और कंसिस्टेंसी आप रखें अपने हिसाब से। जब गर्म होता है तो कस्टर्ड थोड़ा सा पतला लगता है, और जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा आप इसे चिल करोगे तो ये एकदम ही गाढ़ा गाढ़ा होने लगेगा। तो अगर आप इसे गर्म के वक्त ही गाढ़ा बना दोगे तो ये जब तक ठंडा होगा चिल्ड होगा तो बिल्कुल जेली जैसा हो जाएगा, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इसे प्रॉपरली छान लिया है, ये ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे है, तो मैं इसे बस थोड़ी सी देर एकदम ठंडा टाइप से हो जाए, ठंडा बिल्कुल रूम टेम्परेचर भी नहीं, थोड़ा ठंडा सा हो जाए, उतनी देर के लिए इसे छोड़ दूँगी। मीनवाइल मैं जो है यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं डिनर में बहुत ही ईजी एंड वेरी टेस्टी, मेरी पर्सनल फेवरेट हैं ये दोनों, बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक है ये आलू पनीर की रेसिपी जो मैंने अभी बनाना शुरू कर दिया है। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा तेल लिया है और पनीर को डिज़ायर्ड साइजेस में काट लिया है मैंने, आप चाहें तो इनको और थोड़ा छोटा या बड़ा रख सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ तेल में, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कीजिए कभी भी पनीर को, और ना ही ठंडे तेल में छोड़कर बहुत ज़्यादा देर तक कुक कीजिए, इससे फिर वो जो पनीर है वो एकदम च्यूई हो जाता है, वो नहीं अच्छा लगेगा। तो जो आपका टेम्परेचर है ऑयल का वो अच्छा होना चाहिए, और एक से डेढ़ मिनट ही बस इसे फ्राई कीजिए, एकदम ही ब्यूटीफुल चारों तरफ से गोल्डन कलर की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसे उतार लिया है मैंने पानी में, पानी रूम टेम्परेचर है, ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, और जब गर्म पनीर पानी में जाएगा तो उसका टेम्परेचर अपने आप ही राइज हो जाएगा। और यहाँ मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के आलू, पनीर जैसे ही काट के मैंने इन्हें भी फ्राई कर लिया है। तो पनीर को हमेशा पानी में ही निकाल के रखिए जब भी आप उसे फ्राई करते हो, तो इससे क्या है वो सॉफ्ट बना रहता है। तो ये आलू भी फ्राई हो चुके हैं और लगभग पूरी तरह से पक भी चुके हैं, क्योंकि मैंने इन्हें बहुत बड़ा नहीं काटा है, तो इन्हें निकाल के मैं साइड में रख लूँगी। और अब जो बचा हुआ तेल है उसी में मैंने जीरा ऐड किया है, और तेल नहीं ऐड कर रही हूँ मैं। और ये एक मीडियम साइज़ का ऑनियन मैंने थोड़ा फाइनली काट लिया था, तो इसे मैंने ऐड किया है तेल में। तो अभी इस प्याज को अच्छे से मैं भून लूँगी, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़्यादातर लाइक 99% फ्रेशली ही पाउंड करती हूँ, स्टोर बॉट तो मैं शायद कभी भी नहीं लाती हूँ। मुझे अगर स्टोर भी करना है तो मैं घर का ही बना के स्टोर कर लेती हूँ। जो स्टोर बॉट होता है तो उसका कलर इतना अजीब होता है और फ्रेग्रेंस टेस्ट कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो ये जो मसाला है यानी कि प्याज लहसुन और अदरक, ये थोड़ा सा ब्राउन होने आया तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर कटे हुए। इसे मिक्स करूँगी, और टमाटर डालने के बाद हमेशा की तरह इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, इससे कुकिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा और मसाला भूनने में टमाटर को गलाने में हमारा काफ़ी वक्त बच जाएगा। तो बस ये टमाटर के ऊपर नमक असर करे तो इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर कुक होने रख दिया है ढक्कन लगा के। और ये मैंने ले लिया है थोड़े से गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, और ये डाल रही हूँ मैं ब्लेंडिंग जार में। एक मैंने हरी मिर्च इसमें काट के डाल दी है, और 2 टमाटर मैं यहाँ डाल रही हूँ। और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ दूसरी सब्ज़ी की, दूसरी सब्ज़ी है सोया कीमा, और इसे ज़रूर बना के देखिएगा, आप इसके फ़ैन हो जाने वाले हो, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है। तो 2 टमाटर मैंने यहाँ काट के डाल दिए हैं, रफली काट लीजिए क्योंकि हमें इसको प्योरी करना है। तो ये प्योरी बन गई है, इसे मैं अभी साइड में रखूँगी। ये देखिए टमाटर जो हैं उन्होंने वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, मैं स्पैचुला से प्रेस कर रही हूँ तो अच्छे से प्रेस हो रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, वही रेगुलर सूखे मसाले, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर।
तो वही रूटीन के मसाले डाले हैं मैंने, और थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी ऐड करने से पनीर की सब्ज़ियों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो सबको मिक्स करके मैं ये भुना मसाला तैयार कर ले रही हूँ। सब लोग यही प्याज टमाटर का मसाला बनाते हैं, लेकिन की होती है कि आप इसको कितना अच्छा भूनते हो। भूनने से ही इसका टेस्ट आता है और रंग भी आता है। एज इन आप जितना अच्छा मसाला भूनोगे आपकी सब्ज़ी टेस्टी तो बनेगी ही, उसका रंग भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये जो प्री सोक्ड पनीर था मेरा, ये मैंने ऐड कर दिया मसाले में, और ये फ्राइड आलू भी मैं इस वक्त डाल दूँगी। और ये दोनों ही चीज़ें पकी हुई हैं, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना बहुत ज़्यादा उबालने से फिर पनीर वापस रबड़ जैसा हो जाएगा, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है पानी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए, और साथ ही बहुत थोड़ा सा ये होममेड गरम मसाला मैंने डाला है। और कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है। आप रोटी के साथ खाना चाहते हो, पराठे के साथ खाना चाहते हो तो कम पानी मिलाइए, चावल के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी मिला सकते हैं। तो कुकर में मैंने ले लिया है थोड़ा सा तेल, और इसमें मैंने डाले हैं सोया ग्रैन्यूल्स। तो इसे मैं थोड़ी देर अच्छे से, बहुत थोड़ा तेल मैंने लिया था, मुझे इसे भूनना है एक हल्का सा इसके ऊपर रेड कलर आए तब तक। बहुत सारे लोग डायरेक्ट पानी में उबाल कर भी इसे बनाते हैं, पर आप एक बार इस ट्विस्ट के साथ बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का कह सकते हो आप फ़र्क आ जाता है टेक्स्चर में और टेस्ट में। तो ये ग्रैन्यूल्स मैंने अच्छे से थोड़ा सा भून लिया है तेल में, और सोया ग्रैन्यूल्स बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और बहुत ही रिच है ये प्रोटीन में। ये मैंने ट्रांसफ़र किया है नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर में, क्योंकि जो सोया है और जो तेल है उसके अंदर वो ऑलरेडी बहुत गर्म है, तो उसकी वजह से जो पानी है उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। इसे 15 मिनट के लिए सोक होने दीजिए। तो यहाँ पर मेरा जो कस्टर्ड है ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें बारी है फ्रूट्स ऐड करने की। इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्रूट्स जो हैं वो गरम कस्टर्ड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, पानी छोड़ देंगे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और फ्रूट्स डालिए आपकी मर्ज़ी के, अच्छा होगा वो फ्रूट्स डालें जो खट्टे ना हों और सीजनल हों, तो फिर आपका कस्टर्ड जो है वो बहुत अच्छा बनने वाला है। यहाँ मैंने लिए हैं थोड़े से अनार, एप्पल, काले वाले अंगूर और हरे वाले अंगूर, क्योंकि हरे और काले अंगूर थोड़े से बड़े बड़े थे इसलिए मैंने इन्हें काट लिया है। क्योंकि जब आप कस्टर्ड खाते हो तो एक स्पून में सब तरह के फ्रूट्स आने चाहिए, ये नहीं कि बड़ा बड़ा एक ही चंक आ गया तो फिर वो फिर मज़ा नहीं आता है। तो थोड़ा सा बारीक काटिए फ्रूट्स को, और जैसा कि मैंने कहा अवॉइड कीजिए खट्टे फ्रूट्स लेना, अगर ग्रेप्स आपके खट्टे हैं तो वो भी मत डालिए। और फ्रूट्स आप डाल सकते हैं आपकी चॉइस के, आपके पास मैंगोज हों, आगे तो मैंगो का सीज़न आने वाला है तो कस्टर्ड के साथ मैंगो बहुत ही अच्छा लगता है, कीवी भी अच्छी लगती है, बस गोल्डन कीवी लीजिएगा। तो यहाँ मैं फाइनली बना रही हूँ सोया कीमा। तो मैंने कुकर में लिया है थोड़ा सा तेल, और यहाँ मैं 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन या 1 लार्ज ऑनियन ले लीजिएगा, तो उसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है और इसे मैं भून रही हूँ। और सोया कीमा पैन में भी बना सकते हो, लेकिन कुकर में वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कुकर में बनाना। और प्याज को अच्छे से लाल करना है, ट्रांसलूसेंट या गोल्डन नहीं, अच्छे से ब्राउन कीजिएगा। और एक बार प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तो जो हमने प्योरे बनाया था वो इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। और अभी जो मसाला बना है इसको आपको बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि इसमें कच्चा लहसुन है, कच्चा ही अदरक है, और टमाटर भी कच्चे हैं। टमाटर तो कच्चे फिर भी चल जाएंगे, पर कच्चा लहसुन अदरक बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो ऐड किए हैं मैंने रेगुलर किचन के मसाले, यानी कि हल्दी, मिर्ची और धनिया का पाउडर। और धनिया का पाउडर ग्रेवी वाली सब्ज़ी अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। तो बस मैं इस मसाले को अच्छे से भुनने रख दूंगी। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया और आप देख सकते हो साइड से थोड़ा सा तेल निकलने लगा है, तो इसका मतलब है ये मसाला बस अब भुनने आया है। तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं इसमें लगभग 1 बाउल मटर, और ये मटर फ्रेश मटर है, आप चाहें तो फ्रोज़न भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास फ्रेश है और अभी सीज़न में बहुत अच्छे फ्रेश मटर है। तो मैंने यहाँ ऐड किया है थोड़ा सा नमक, और नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा। तो बस मैं चला चला के इस सारे मसाले को भून लूँगी अच्छी तरह, थोड़ी देर मटर डालने के बाद भी मैं ये मसाला भूनूंगी। और अभी ये जो सोया कीमा है
इसको मैंने पानी में से निकाल लिया है, 3-4 बार अच्छे से धो लिया है और निचोड़ लिया है, बिल्कुल सूखा कर लिया है मैंने इसे। और अब ये जो सोया कीमा है, ग्रैन्यूल्स हैं, ये मैंने मसाले में ऐड किए हैं और कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ। अगेन, अगर आपको सूखा चाहिए तो कम पानी डालिए, ग्रेवी जैसा चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी रख सकते हो, पर बहुत ज़्यादा पानी वाला मत बनाइएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बना रही हूँ डिनर में राइस, इसलिए मैंने दोनों ही सब्ज़ी थोड़ी सी लिक्विड टाइप्स रखी हैं, हालांकि कीमा उतना लिक्विड नहीं है, ये आप देखिए। और इसको लगानी है सिर्फ 1 सीटी, आप 2 भी लगा सकते हो, पर उससे ज़्यादा मत पकाइएगा। और ये बस तैयार है, और मस्ट ट्राई रेसिपी है, दोनों की दोनों रेसिपीज़ बहुत ईजी हैं और इक्वली टेस्टी हैं। तो फाइनली मैंने इन्हें गार्निश कर लिया है हरे धनिए के साथ, ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और ये रेसिपीज़ पसंद आई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक दे सकते हो और ये रेसिपीज़ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। आपकी राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।